good morning standard 6 welcome to online classes yesterday hum log padhe the water ke bare mein bachcho theek hai ki water is very precious for us today our topic is stages of water hum log aaj padhenge water ke kitne stage hote hain to ye aap log junior classes se padhte aa rahe hain ki water teen stage mein paya jata hai solid liquid and gaseous form mein से द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉलिड के फॉर्म में हम लोग आइस का यूज करते हैं बच्चों लिक्विड के फॉर्म में वाटर का यूज करते हैं पानी जो हम लोग डेली पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पीते हैं और गैसियस फॉर्म में आपका हो गया वाटर वेपर जिसको कि अगर हम कंडेंस करेंगे तो फिर वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और अगर उस लिक्विड को हम फ्रीजर में डाल दें बच्चों तो फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो दीज आर द स्टेजेज ऑफ वाटर ये वाटर के तीन फॉर्म हैं जो हमें जिसको कि हम लोग तीनों स्टेज में अपने यूज में लाते हैं बच्चों चाहे वो सॉलिड का फॉर्म हो या लिक्विड का फॉर्म हो या गैसियस फॉर्म हो तो ये तीन स्टेज में वाटर हमारे आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर साइकिल। ये तो आप लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट से हमारे जितने वाटर बॉडीज हैं उससे वाटर इवेपोरेट होते हैं और वो पर इवेपोरेट होके स्काई में जाते हैं वहां वे कंडेंस होते हैं और कंडेंस होकर के वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों और वही वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड में कन्वर्ट होते हैं और धीरे धीरे जब वो हैवी हो जाते हैं तो रेन के फॉर्म में वो हमारे अर्थ पे फिर से आ जाते हैं और हमारे वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं। तो ये साइकिल जो है हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा चलता रहता है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। ये इवेपोरेशन फिर कंडेंसेशन फिर इवेपोरेशन का जो साइकिल है ये हमारे एनवायरनमेंट में चलता रहता है बच्चों। अगर ये वाटर साइकिल में थोड़े बहुत भी ऊपर नीचे या उतार चढ़ाव हो जाए बच्चों तो क्या हो जाता है हमें इंक्रीजमेंट अगर हो जाए अगर बारिश में रेन वाटर में इंक्रीजमेंट हो जाए ज्यादा बारिश होने लगे तो फिर हमारे में हमें फ्लड की स्थिति पैदा हो जाती है। फ्लड मीन्स बाढ़ आ जाती है। बाढ़ होने के कारण क्या हो जाता है हमारा नदी नाला ताला जो होता है वो पानी से भर जाता है बच्चों और वो पानी से भरने के बाद तो वो वाटर क्या हो जाता है कन्वर्ट होकर हमारे सिटी के एरिया में आ जाता है हमारे हमारे जिस एरिया में हम लोग रहते हैं हमारे घरों में पानी घुस जाता है तब उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि हमारे आसपास के एरिया में मैम आप लोग घर आके बोलते हैं कि मैम बाढ़ आ गया है। तो ये स्थिति तब आती है जबकि बारिश ज्यादा हो जाए तो फ्लड की स्थिति पैदा हो जाती है बच्चों। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि जितना हमें बारिश की जरूरत होती है उससे भी कम बारिश जब हो तो ड्राउट की स्थिति पैदा हो जाती है बच्चों। ड्राउट मीन्स सूखा। तब हमारे नदी नाला सभी जगह में पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी होने जाने के कारण हमारी मिट्टी क्या हो जाती है बच्चों रूखी सूखी हो जाती है और वो ड्राई होके फटने लगती है उसमें क्रैक होने लगता है बच्चों। हमारे पेड़ पौधे सब मर जाते हैं पानी के अभाव में। अगर पानी नहीं हो तो फिर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है खेती अच्छे से किसान नहीं कर पाते हैं। बार बार कहा जाता है कि जैसे देखो इस बार बारिश कम हुई जिससे सूखा पड़ गया तो अनाज का फसल कम हुआ हमारे गेहूं की फसल कम हुए हमारे धान की फसल कम हुए। तो अगर गेहूं धान फसल साग सब्जी ये कम होंगे बच्चों तो फिर हमें खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी और अगर हमारी पैदावार कम होगी हमारी प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम होगी तो मार्केट में माल क्या होगा कम आएगा और कम आएगा तो हमारा रेट क्या हो जाएगा कम। कोई भी चीज अगर आपके मार्केट में होगा तो ऑब्वियसली उसका दाम तो बढ़ेगा बच्चों। तो हम लोगों के लिए खरीदना क्या हो जाएगा बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अगर हमें चार एप्पल खाने का मन होगा मान लीजिए ज्यादा हैवी अनाज लाना होगा तो हम कम ही लाएंगे एक किलो लाना हो तो हाफ के जी ही लाएंगे बच्चों। तो अल्टीमेटली इसका प्रॉब्लम हम ही लोगों को होगा हम ही ह्यूमन बींग को होगा।
अदरवाइज एनिमल्स को भी होंगे बच्चों, क्योंकि वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट पे, और अगर प्लांट ही नहीं रहेंगे, सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी, तो क्या होंगे, वो लोग भी अपने भोजन के ऊपर, उन लोगों को सफिशियंट भोजन नहीं मिल पाएगा बच्चों, तो वो लोग, उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, हमारा इन्वायरमेंट इजी वे में से हमारा इन्वायरमेंट चल सके, हमारा लाइफ साइकिल चल सके पूरे इन्वायरमेंट का, इसके लिए वाटर का होना बहुत ही नेसेसरी है बच्चों, और इस वाटर साइकिल का होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये वाटर साइकिल सही वे में नहीं होगा तो फिर हमारा इन्वायरमेंट की स्थिति ही गड़बड़ा जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। तो ये सारे टॉपिक आज हम लोग डिस्कस किए बच्चों, कि व्हाट इज द स्टेजेज ऑफ वाटर, व्हाट इज वाटर साइकिल, व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन। तो इन सभी टॉपिक को और डिटेल में बुक्स को स्टडी करके आप लोग घरों में आज फिर से पढ़िएगा बच्चों, इसको रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक। ओके, बाय स्टैंडर्ड 6।